एक बात तो माननी पड़ेगी, राहुल गांधी एक कुशल नेतृत्व जब से अध्यक्ष बने हैं कर रहे हैं। उन्होंने कई ज्वलंत प्रश्नों को उठाया है और उसको लेकर कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। यह एक खतरे की घंटी है जिसको कि सत्ता में बैठे लोगों को समझना चाहिए। आपको अट्रैक्ट कर रहा है, देश को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या लगता है? मैं भी एक आम जनता हूं और जब हम एक आम जनता के रूप में उनको सुनते हैं तो राहुल गांधी जी के बातों में कदम दिखाई देता है और जिस प्रकार का कुशल नेतृत्व समय वो कांग्रेस का कर रहे हैं वह अवश्य एक चुनौती भरा है और उसमें दम है। मोदी जी का अमित शाह का भाषण सुनते हैं तो क्या दिखता है? मोदी जी ने अपने भाषणों में बहुत आशा जगाई, उम्मीदें जगाई। चार साल हो गए हैं, उन उम्मीदों पर कितना हम खरे उतरे हैं, चाहे वो 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी की बात रही हो, पेट्रोल डीजल के बढ़ी हुई कीमतों के बारे में बात रही हो, स्मार्ट सिटी को लेकर के बात रही हो, या फिर 15 लाख रुपए जो प्रत्येक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में आना था उसकी बात रही हो, और उसके अलावा अनेकों ऐसी बातें थी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कही थी, उसके पर कहां तक खरे उतरे हैं इसके बारे में भी पूछना एक हमारा कर्तव्य है और लोग उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। क्या लगता है कि अगला जो आप चुनाव कांग्रेस नहीं होगा? मैंने आपसे कहा कि मुझे पार्टी ने निलंबित करके रखा है, 3 साल हो गए हैं, समय भी मुझे नहीं दिया जा रहा है मिलने का। तो चुनाव तो हम दरभंगा से लड़ेंगे ही, ऐसा हमारे समाज में और लोगों ने कहा है, तो दरभंगा से मेरा चुनाव लड़ना तय है और वह भी राष्ट्रीय पार्टी से, यह पक्का है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। बीजेपी से बनने गई है, कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। हमारी देखिए, हमारी बीजेपी से कभी मनमुटाव नहीं था, लेकिन आज जिस प्रकार से परिस्थिति बनाई है उसमें दिखता है कि कुछ न कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा।